नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एग्रीकल्चरल लैब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कल्टीवेशन ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड। रेप सीड एंड मस्टर्ड रबी सीजन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। हरियाणा में हम इसको मेनली सरसों के नाम से जानते हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो कल्टिवेटेड एज अर्ली एज 5000 BC, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिबल ऑयल सीड क्रॉप आफ्टर सोयाबीन एंड पाम ऑयल। यह जो हम तेल खाने में यूज करते हैं उसमें तीसरे नंबर पर है सोयाबीन और पाम ऑयल के बाद। ऑयल कंटेंट वेरीज फ्रॉम 37 to 49%। इसका जो ऑयल कंटेंट है, तेल की मात्रा, वो 37 से 49% के बीच में वेरी करती है। प्रोटीन कंटेंट अबाउट 28 to 36%। इट इज इम्पोर्टेंट रबी सीजन ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया। यह रबी सीजन की प्रमुख तेल की फसल है। फ्रॉम सितंबर अक्टूबर टू फरवरी मार्च, इसमें सितंबर अक्टूबर में सोइंग करते हैं इसकी, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो होती है फरवरी मार्च में। रिक्वायर कूल एंड ड्राई वेदर एंड ए फेयर सप्लाई ऑफ सोइल मॉइस्चर ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड एंड ए ड्राई क्लीन वेदर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। तो अकॉर्डिंग टू एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है कनाडा, वो है 24.27%। उसके बाद चाइना 21.23%, फिर यूरोपियन यूनियन 19.09%, देन इंडिया 17.19%। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूरोपियन यूनियन में 30.87%, उसके बाद कनाडा से 26.36%, फिर चाइना 20.41%। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन है वो है 8.54%। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया में, विद इन इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में। तो सबसे ज़्यादा इसका एरिया है राजस्थान में, और प्रोडक्शन भी राजस्थान में होता है। राजस्थान 44.03% एरिया कवर करता है, और इन प्रोडक्शन 47.18% एरिया में। सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, जो सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, जो 11.70% एरिया कवर करता है। थर्ड नंबर पर है उत्तर प्रदेश यूपी, ये 10.55% एरिया कवर करता है। ऐसे ही अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा 8.50% एरिया कवर करता है। अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन में भी मैक्सिमम राजस्थान 47.18%, सेकंड नंबर पर हरियाणा 11.65%, देन मध्य प्रदेश 11.02%, देन उत्तर प्रदेश 9.80%। अब हम बात करते हैं स्पीसीज ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड। रेप सीड और मस्टर्ड की बहुत सी अलग अलग स्पीसीज हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इंडियन मस्टर्ड, जिसको हम राया भी बोल देते हैं, उसके बाद तोरिया, येलो सरसों, ब्राउन सरसों, गोभी सरसों, करण राई, ब्लैक मस्टर्ड एंड तारामीरा। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेप सीड एंड मस्टर्ड। रेप सीड और मस्टर्ड के अंदर क्या
अंतर है। तो रेप सीड, द प्लांट इज शॉर्टर एंड हाइट रेंज बिटवीन 45 to 150 centimeter। रेप सीड का जो प्लांट होता है वो हाइट में छोटा होता है और वो 45 to 150 centimeter तक ऊंचा होता है। और अगर हम मस्टर्ड की बात करते हैं तो प्लांट आर टाल, हाइट रेंज बिटवीन 90 to 200 centimeter। मस्टर्ड का प्लांट होता है वो लंबा होता है और उसकी जो हाइट है वो 90 to 200 centimeter के बीच में लाई करती है। रेपसीड में द लीव्स बोन सेसाइल एंड ग्लैबरस एंड हेरी। इसके जो लीव्स होते हैं वो विदाउट स्टाक होते हैं, हेरी होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रास द स्टाक पार्शियली और कंप्लीटली। द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रास द स्टाक पार्शियली और कंप्लीटली। एंड इन केस ऑफ मस्टर्ड द लीव्स आर नॉट डायलेटेड एट द बेस एंड क्लैस्पिंग एज इन द केस ऑफ रेप बट आर द ब्लेड स्टाक ब्रॉड एंड पिनाटिफाइड। इसका मतलब इसके जो पत्ते होते हैं वो उससे ज़्यादा चौड़े होते हैं और पिनाटिफाइड मीन्स आगे से उसमें लीफ मार्जिन्स पर कट होते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट, इसका जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं सिलिकी। यहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलिका। तो इन केस ऑफ रेपसीड द फ्रूट सिलिका आर थिकर देन दोज ऑफ मस्टर्ड। जो इसके जो फ्रूट होते हैं वो थिकर होते हैं, मोटे होते हैं एंड आर लेटरली कंप्रेस्ड विद द बीक 1/3 to 1/2 देयर लेंथ। और वो कंप्रेस होते हैं विद द बीक, उसका लास्ट जो पोर्शन होता है जहाँ चोच बनती है वहाँ पर वो कंप्रेस हो जाते हैं। और इन केस ऑफ मस्टर्ड द फ्रूट्स आर स्लेंडर एंड ओनली 2 to 6.5 centimeter लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, असेंडिंग और इरेक्ट विद शॉर्ट एंड शॉर्ट बीक। ये स्ट्रॉन्ग होता है असेंडिंग ऑर्डर में, इरेक्ट बिल्कुल सीधा होता है और बिल्कुल शॉर्ट एंड शॉर्ट बिल्कुल पैनीज की और छोटी बीक होती है लास्ट में। लास्ट में रेप सीड में सीड्स आर आइदर येलो और ब्राउन विद ए स्मूथ सीड कोट। इसका जो सीड होता है वो या तो येलो कलर का या ब्राउन कलर का होता है। इन केस ऑफ मस्टर्ड सीड्स आर ब्राउन और डार्क ब्राउन। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, डिफरेंट स्पीसीज पे के बेसिस पर उनका क्या कॉमन नेम है और उनका लोकल नेम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फैमिली की। इसकी फैमिली है ब्रासिकेसी जिस या फिर क्रूसी फेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी येलो सरसों, जिसको कॉमन नेम है टर्निप रेप और लोकल नेम येलो सरसों। उसके बाद ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी ब्राउन सरसों, तो लोकल नेम ब्राउन सरसों, कॉमन नेम टर्निप रेप। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी येलो तोरिया, कॉमन नेम इंडियन रेप, लोकल नेम येलो तोरिया। देन ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी ब्लैक तोरिया, कॉमन नेम इसका इंडियन रेप और लोकल नेम ब्लैक तोरिया और लाही। फिर हम बात करते हैं ब्रैसिका जोनसिया, जो मोस्ट कॉमनली हम ग्रो करते हैं वो यही है ब्रैसिका जोनसिया, जिसको हम बोलते हैं इंडियन मस्टर्ड और लोकल नेम राई, राया और ला। उसके बाद ब्रैसिका जोनसिया वैरायटी रुगोसा, कॉमन नेम रुगोसा, लोकल नेम पहाड़ी राई। उसके बाद ब्रैसिका निग्रा, कॉमन नेम ब्लैक मस्टर्ड, लोकल नेम बनारसी राई। उसके बाद ब्रैसिका नेपस, कॉमन नेम कनोला, लोकल नेम गोभी सरसों।
उसके बाद ब्रैसिका कैरिनाटा, कॉमन नेम इथोपियन मस्टर्ड और लोकल नेम करण राई, लास्ट में इरुका स्टाइवा, कॉमन नेम रॉकेट प्लांट, कॉमन नेम रॉकेट प्लांट, लोकल नेम तारामीरा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की, हम इसका क्या क्या उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एज ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम इसको लीफी वेजिटेबल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सरसों का साग। आल्सो यूज एज ए फोटर क्रॉप, चारे की फसल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सीड्स आर यूज्ड एज कंडीमेंट्स इन वेरियस फूड रेसिपी, मीन्स इसको हम फूड रेसिपीज में फ्लेवर देने के काम में भी यूज करते हैं। सीड्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम इट एंड यूज फॉर कुकिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं और उस ऑयल को कुकिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। ऑयल केक्स ऑब्टेन आफ्टर द ऑयल एक्सट्रैक्शन इज यूज एज लाइव स्टॉक फीड, ऑयल केक जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो बच गया उसको हम पशुओं को खिलाने के लिए भी यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल केक इज यूज एज ए फर्टिलाइजर, इसको हम एज ए फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल इज ए वेल नोन प्रिजर्वेटिव यूज इन पिकलिंग, इसको हम अचार में भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सोइल रिक्वायरमेंट की। तो इट कैन बी ग्रोन ऑन वाइड रेंज ऑफ सोइल कंडीशन, हम इसको वाइड रेंज ऑफ सोइल कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, बट लाइट लोम सोइल्स आर बेस्ट, लाइट लोम सोइल्स हैं वो इसके लिए बेस्ट हैं। देयर शुड नॉट बी वाटर लॉगिंग, खेत में या मिट्टी में पानी, न्यूट्रल पीएच इज आइडियल, न्यूट्रल पीएच मींस नियर टू 7 पीएच। तारामीरा कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन लाइट सोइल्स इन रेन फेड एरियाज, जो तारामीरा है वो लाइट सोइल्स में भी रेन फेड कंडीशंस में हम उसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में हम क्या फसल चक्र इसके साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ए नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन कैन बी फॉलोड यूजिंग रेपसीड एंड मस्टर्ड स्पीसीज। तो सबसे पहले मेज, तोरिया, वीट, इस क्रॉप रोटेशन में तोरिया का हमने यूज किया, जैसे मेज, पहले मेज ग्रो की, फिर मेज की हार्वेस्टिंग के बाद तोरिया, तोरिया के बाद वीट। सेकंड में मेज, तोरिया, सुगर केन, या नेक्स्ट जो क्रॉप रोटेशन है पर्लमिलेट, तोरिया, बारले। पहले पर्लमिलेट मतलब बाजरा, फिर तोरिया, उसके बाद बारले जो हमने हम ले सकते हैं। उसके बाद मेज, तोरिया और कॉटन, मेज, मक्का, तोरिया और उसके बाद हम नेक्स्ट सीजन में कॉटन, कपास उगा सकते हैं। फिर मेज, तोरिया, सुगर केन और रेटून, इसमें मक्का, तोरिया, सुगर केन और रेटून मीन्स सुगर केन की एक कटाई के बाद दोबारा उसी को ग्रो करना। उसके बाद मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग में क्या है कि हम इसको दूसरी फसल के साथ मिक्स, मतलब दूसरी फसल के सीड के साथ इसको मिक्स करके भी ग्रो कर सकते हैं। एंड इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मीन्स कि दूसरी फसल के साथ इसको अलग अलग रो में, पहले इसकी रो, फिर दूसरे क्रॉप की रो, फिर दोबारा इसकी रो, ऐसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। रेपसीड एंड मस्टर्ड्स आर ग्रोन कॉमनली मिक्स्ड विद अदर रबी क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले एंड चिकपी।
इंटरक्रॉपिंग कैन बी डन विद ग्राम बार्ले वीट एंड सुगर केन। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, खेत को तैयार करने के लिए। एज डेप सीड एंड मस्टर्ड इज ए स्मॉल सीडेड क्रॉप, यह एक स्मॉल सीडेड क्रॉप है। इसके जो सीड होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। ए वेल प्रिपेयर्ड फील्ड इज नीडेड फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड। ए फाइन सीड बेड विदाउट हार्ड क्रस्ट इज रिक्वायर्ड। इसको उगाने के लिए बिल्कुल फाइन सीड बेड तैयार करना होता है विदाउट हार्ड क्रस्ट, जिस पर कोई कठोर परत ना हो। तो सबसे पहले हम इसमें प्लोइंग बाई मोल्ड बोल्ड प्लो और ट्रैक्टर ड्रोन हैरो, उसके बाद प्री सोइंग इरीगेशन, उसके बाद टू प्लोइंग विद कल्टीवेटर, प्लैंकिंग आल्सो डन आफ्टर ईच प्लोइंग। ये हम करते हैं इसको तैयार करने के लिए। और ध्यान में रखने की बात यह है कि देयर शुड बी नो क्लोड और वीड्स एट सोइंग टाइम। बिजाई के समय कोई भी नो क्लोड्स में जो खेत में डरे बन जाते हैं वो ना हो, और ना ही खतपतवार हो वीड्स। अब हम बात करते हैं इसके सीड रेट की, बीज की मात्रा की। फॉर इरिगेटेड कंडीशंस, मतलब जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो वहाँ 1.25 केजी सीड पर एकड़। फॉर सोल क्रॉप मीन्स अगर हम इसको केवल इसी को उगा रहे हैं तो इरिगेटेड कंडीशंस में जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ 1.25 केजी सीड पर एकड़। फॉर रेन फेड कंडीशंस वहाँ 2 केजी सीड पर एकड़। फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग द सीड्स आर मिक्स्ड इन रेशियो इन ए फिक्स रेशियो फॉर ईच क्रॉप्स। मिक्स क्रॉपिंग के लिए अलग अलग जो क्रॉप लें हम उनके हिसाब से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सोइंग टाइम की। द मैक्सिमम टेम्परेचर शुड बी अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस। जो मैक्सिमम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सोइंग टाइम में। सबसे पहले तोरिया की, लास्ट वीक ऑफ अगस्त टू मिड सेप्टेम्बर। अगस्त का लास्ट वीक से लेकर सेप्टेम्बर के मिड तक ये ऑप्टिमम होता है सोइंग टाइम तोरिया के लिए। फिर बात करते हैं हम मस्टर्ड की। मस्टर्ड के लिए 25th ऑफ सेप्टेम्बर टू द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, मतलब 25 सितंबर से 15 अक्टूबर का टाइम मस्टर्ड के लिए बेस्ट होता है। फिर बात करते हैं हम राया इरिगेटेड कंडीशंस में। सोइंग शुड बी डन बिफोर 20th अक्टूबर, 20 अक्टूबर से पहले बिजाई कर देनी चाहिए। फिर तारामीरा, होल अक्टूबर इज शूटेबल। तारामीरा की बिजाई हम अक्टूबर मंथ में कर सकते हैं। और सोइंग शुड बी डिलेड इन केस ऑफ रेनफेड कंडीशंस वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज हाई। अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे टाइम में अगर वो ज़्यादा है तो हम सोइंग को थोड़ा डिले कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सोइंग मेथड की। फॉर तोरिया, राया एंड सरसों सोल क्रॉप, सीड शो एट 4 to 5 centimeter डीप विद प्लोड ड्रिल। जो सीड सोइंग डेप्थ है वो 4 to 5 centimeter, देन कीप 30 centimeter डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। टू लाइन्स मीन्स बिटवीन टू रोज, दो रो के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 centimeter, और प्लांट टू प्लांट 10 centimeter। फॉर तोरिया एंड सरसों इंटरक्रॉप, अगर हम इनको इंटरक्रॉप करते हैं तो 1.8 meter टू 2.4 meter डिस्टेंस बिटवीन लाइन अलोंग विद मेन क्रॉप। अब हम बात करते हैं इनकी वेराइटीज की। तो सबसे पहले इसमें राया और इंडियन मस्टर्ड की बात करते हैं। तो RB 9901
जिसको हम बोलते हैं गीता, उसके बाद RH 9801, सरुण ज्योति RH 9304, वसुंधरा RH 8812, लक्ष्मी RH 8113, सौरभ, उसके बाद RH 819, 819, RH 781, RH 781, RH 0749, RH 0749, RH 725, 725, RH 0406, 0406, RH 0119, 0119, RB 50, RH 30, और लास्ट में T 59, वरुणा। ये इसकी वैरायटीज हैं इंडियन मस्टर्ड की, या हम कहें राया की। तो इसमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है RH 30, क्योंकि इसको हम दोनों कंडीशंस में, अर्ली सोइंग में, लेट सोइंग में, एज वेल एज इन इरिगेटेड एंड रेनफेड कंडीशंस में हम इसको उगा सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट है RH 0749, 749, और RH 725, 725। ये न्यूली रिलीज वैरायटीज हैं। अब हम बात करते हैं ब्राउन सरसों की वैरायटीज की। तो ब्राउन सरसों में BSH 1, ब्राउन सरसों हरियाणा 1, और दूसरी है पूषा कल्याणी। जैसे हम बात कर रहे थे वैरायटीज में राया और इंडियन मस्टर्ड में, इसमें जो RH है इसका मतलब होता है R का राया, H का हरियाणा। जैसे हमने ब्राउन सरसों में देखा BSH 1, ब्राउन सरसों हरियाणा 1, ऐसे ही तारामीरा में T 27, तारामीरा 27। फिर हम बात करते हैं येलो सरसों, YSH 0401, येलो सरसों हरियाणा 0401। फिर हम बात करते हैं तोरिया, TH 68, तोरिया हरियाणा 68, संगम और TL 15। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें अलग अलग कंडीशंस में, जैसे इरिगेटेड और अनइरिगेटेड कंडीशंस में जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि अनइरिगेटेड कंडीशंस में कम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है और इरिगेटेड कंडीशंस में ज़्यादा। तो अनइरिगेटेड कंडीशंस के लिए तोरिया सरसों एंड राया में जो NPK रिक्वायरमेंट है वो 16 kg नाइट्रोजन और 8 kg फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, और इन केस ऑफ तारामीरा ओनली 12 kg नाइट्रोजन। इसके बाद हम बात करते हैं इरिगेटेड कंडीशंस में। तो इसमें स्पीशीज में तोरिया सरसों, इसके लिए जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो है 24 kg और फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट 8 kg। फिर हम बात करें राया, राया में जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो है 32 kg, फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट है 12 kg और पोटाशियम रिक्वायरमेंट है 8 kg। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की। अंडर अन इरिगेटेड कंडीशंस अप्लाई ऑल फर्टिलाइजर्स अलोंग विद सीड एट द टाइम ऑफ सोइंग। जिस समय हम बिजाई करते हैं उसी टाइम सारे फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर देने चाहिए। और अंडर इरिगेटेड कंडीशंस जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां अप्लाई हाफ नाइट्रोजन एट सोइंग, बिजाई के टाइम पर आधी नाइट्रोजन एंड हाफ एट फर्स्ट इरिगेशन, और जो रिमेनिंग हाफ है वो फर्स्ट इरिगेशन देते हैं उस टाइम उसको डालनी चाहिए। रेस्ट फर्टिलाइजर्स अप्लाइड एट सोइंग ओनली।
और जो बचे हुए फर्टिलाइजर्स हैं जैसे फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, वो एट द टाइम ऑफ सोइंग अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन, सिंचाई की। तो इन केस ऑफ तारामीरा नो नीड ऑफ इरिगेशन, तारामीरा में इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। तोरिया, सरसों और राय के लिए वन इरिगेशन एट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब जब फूल आते हैं उस टाइम एक इरिगेशन, और सेकंड इरिगेशन एट पॉड फॉर्मेशन जब फली बन जाती है उस टाइम सर दूसरी इरिगेशन देनी चाहिए। इफ वाटर इज लिमिटेड ओनली वन इरिगेशन एट फ्लावरिंग इज सफिशेंट, अगर पानी की कमी है तो एक ही इरिगेशन वो फ्लावरिंग के टाइम पर जब फूल आते हैं उस टाइम देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, इस पर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट मतलब कीटों का प्रभाव होता है और कौन कौन सी बीमारियां इसकी मेन है। तो इंसेक्ट पेस्ट में मस्टर्ड एफिड, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं ये, दूसरा पेंटेड बग, फिर हेरी कैटरपिलर, मस्टर्ड साफलाई और लीफ माइनर, ये इसके मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं। और डिजीज में वाइट रस्ट, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट एंड फाइलोडी। इस फोटो में आप देख रहे हैं सबसे पहले अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, दूसरे में वाइट रस्ट और थर्ड फोटो है ये है ओरोबैंकी और मरगोजा वीड इन मस्टर्ड, ये होता है मरगोजा, इसको मरगोजा बोलते हैं और ये एक रूट पैरासिटिक वीड है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस में, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, तो इसका करेक्ट आंसर था क्रूसीफेरी। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्रॉप, इसमें से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले विच इज़ द टॉप प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इन इंडिया, इसका आंसर है राजस्थान। और उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में, इन हरियाणा टॉप प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मस्टर्ड वो है महेंद्रगढ़। उसके बाद वाइट रस्ट इज ए मेजर डिजीज ऑफ विच क्रॉप, रेपसीड एंड मस्टर्ड, वाइट रस्ट है इसकी मेजर डिजीज है। व्हाट इज द एवरेज प्रोटीन कंटेंट इन द मस्टर्ड सीड, तो इसमें मेनली प्रोटीन कंटेंट और ऑयल कंटेंट की पूछ सकते हैं, ऑयल कंटेंट आपको पता है। अब व्हाट इज द एवरेज ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट इन मस्टर्ड सीड्स, द ऑयल कंटेंट इज 37-49% एंड प्रोटीन कंटेंट इज 28-36%। उसके बाद RH30 एंड RH749, RH749 आर वेरी पॉपुलर वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप, तो इसका आंसर है रेपसीड एंड मस्टर्ड। उसके बाद है मरकोजा, जिसको हम ओरोबैंकी बोल देते हैं, वीड किस टाइप का वीड है, ये है रूट पैरासिटिक, इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप, तो ये रेपसीड एंड मस्टर्ड का रूट पैरासिटिक वीड है मरगोजा। मस्टर्ड ऑयल इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ असेंशियल फैट्स, कौन सी फैट है वो, ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिनिक एसिड, ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिनिक एसिड। तो थैंक यू।